वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि नेतृत्व और मुद्दा विहीन हो चुकी कांग्रेस पार्टी इतनी हताश हो चुकी है कि उसके नेता अपने 6 बार के मुख्यमंत्री को ही कटघरे में खड़ा करने वाले बयान दे रहे हैं। सतपाल सिंह सत्ती ने कर्ज को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर पूछा कि क्या उन्होंने कभी वीरभद्र सिंह से पूछा था कि उनकी सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए का लोन क्यों लिया था। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि वीरभद्र सरकार में न तो कोविड महामारी थी, न ही उन्होंने जन कल्याण के लिए कोई योजनाएं चलाई, न ही उन्होंने कर्मचारियों को नया वेतनमान देना पड़ा, न ही कोई फोरलेन बनाए, न ही मेडिकल कॉलेज। इसके बावजूद उन्होंने 5 वर्ष के दौरान जो 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया वो कहाँ खर्च किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये बताए कि 1500 रुपए और 300 यूनिट बिजली की गारंटी दे रखी है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। उन्होंने कांग्रेस की ओर से की जा रही घोषणाओं पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बिना प्लानिंग के ही घोषणाएं कर रही है। ऐसा लगता है मानो कांग्रेस राजनीति न करके पंसारी की दुकान खोलकर बैठे हैं। वो चुनावों का समय है, चुनावों की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और कई बार उनके नेताओं के बयानों से ऐसा लगता है कि वो खुद भी कन्फ्यूज हो चुके हैं, कन्फ्यूज्ड हैं वो सब लोग। कांग्रेस के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट फजूल खर्ची कर रही है और लोन ले रही है और कर्ज ले रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और लंबे समय से राजनीति में हैं। वीरभद्र सिंह जी अनेकों समय तक हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। जो कांग्रेस के नेता आज ये बोलते हैं कि बीजेपी कर्ज गलत ले रही है, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वो अपने समय का कोई भी कार्यकाल बताएं जब बिना कर्ज लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाया हो या हिमाचल प्रदेश में उन्होंने शासन किया हो। हमेशा कर्ज की जो परंपरा हिमाचल में चली है वो कांग्रेस के समय पर चली है, और कांग्रेस के समय पर एक और दुर्भाग्य रहता था कि विकास भी नहीं होता था, सारे कर्ज भ्रष्टाचार में ही निकल जाते थे। लेकिन जब जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के साथ साथ उद्योग या इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इम्प्रूवमेंट करने के लिए लोन लिया और उसमें इम्प्रूवमेंट करके दिखाई। उसका जीता जागता उदाहरण हिमाचल प्रदेश में आप सबके ध्यान में है, आज मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी कतार चंबा से लेकर के हमीरपुर, नाहन, नेरचौक और अब बिलासपुर एम्स में एक मेडिकल कॉलेज और उसके साथ साथ प्राइवेट के क्षेत्र में अलग जगहों के ऊपर कुमारहट्टी में। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समय पर चाहे बल्कनाथ पार्क आ रहा है, जब पीजे सैटेलाइट हॉस्पिटल बन रहा है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 लेन अगर परमाणु से शुरू हुआ, शिमला तक स्वारघाट से शुरू हुआ, कुल्लू मनाली तक जो आगे ले तक जाएगा, चाहे आज पठानकोट से शिमला वाला 4 लेन है, और अभी अभी प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को बिलासपुर में हरियाणा के पंजौर से शुरू करके वाया बद्दीपुर वाला होकर के स्वारघाट तक 400 करोड़ का 4 लेन है उसका शिलान्यास करके गए। ऐसी कई बड़ी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी का शासन जब जब भी केंद्र में आया जब प्रदेश में आया हम लोगों ने विकास को तरजीह दी। ये चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।